भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर श्रेयस अय्यर की कमजोरी भारतीय टीम को भारी पड़ गई है। श्रेयस अय्यर अच्छे बल्लेबाज हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्हें यहाँ पर शॉर्ट बॉल दी जाती है वो यहाँ पर अपना विकेट जो है वो गंवा देते हैं। जबरदस्त अंदाज से यहाँ पर अभी तक बांग्लादेश की गेंदबाजी हुई है। वहीं दूसरी तरफ 94/4 है भारत का स्कोर 21 ओवरों में। एक समय 49/3 हो गई थी। श्रेयस अय्यर धीरे धीरे केएल राहुल के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद भारत की टेल जो है वो शुरू हो चुकी है। वाशिंगटन सुंदर अच्छी बल्लेबाजी करना जानते जरूर हैं, लेकिन अब उनसे भी उम्मीदें होंगी कि वो थोड़ा सा अलग तरीके की बल्लेबाजी करें। अमूमन अंत के ओवर्स में आते हैं बल्लेबाजी करने, लेकिन आज 21वें ओवर में ही बैटिंग आई है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे श्रेयस अय्यर, 39 गेंदों में 24 रन उन्होंने बनाए। इबादत हुसैन लगातार उन्हें शॉर्ट बॉल डाल रहे थे और वहीं पर वो फंसे और विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम ने उनका जबरदस्त कैच लपका। 5 ओवरों में 21 रन देकर 1 विकेट अभी तक हासिल कर चुके हैं इबादत हुसैन। शाकिब अल हसन 3/15 रन, 2 विकेट। मेहदी हसन मिराज 4/1, 14 रन, 1 विकेट। हसन महमूद 4/27 रन, कोई सफलता नहीं। मुस्तफिजुर रहमान 5/1, 16 रन, कोई सफलता नहीं। भारतीय टीम फिलहाल फंसती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से टीम इंडिया यहां पर एक बड़े स्कोर तक पहुंचती है, क्योंकि नाइट में बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगा, उस का जो है वो रोल बहुत बड़ा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले में आगे बढ़ती नजर आती है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।